आज विप्र फाउंडेशन द्वारा परशुराम चौक हनुमानगढ़ जंक्शन में जो भगवान परशुराम की कुंड के संबंध में आमंत्रण रथ यात्रा पूरे भारत में घूमते हुए हनुमानगढ़ है, उसके स्वागत और सम्मान के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ एक विशाल रैली के रूप में आज भगवान परशुराम के रथ के आगे युवाओं की मोटरसाइकिल रैली, पीछे जीपों, गाड़ियों, टेम्पू, सभी प्रकार के साधन चलेंगे। पूरे शहर में भ्रमण करवाया जाएगा। हमारे प्रदेश सचिव पंडित जसवीर शर्मा जी के नेतृत्व में सैकड़ों ब्राह्मणों द्वारा हमारे इस हनुमानगढ़ की सुख शांति और समृद्धि के लिए शांति पाठ मंत्रोच्चार से किया जाएगा। यहाँ परशुराम चौक में एक भव्य स्वागत होगा, उसके बाद बाजार में घूमते हुए दुर्गा मंदिर धर्मशाला तक जो है ये रैली का संपन्न किया जाएगा। हमारे परशुराम रथ जो पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ मुकेश रामपुरा जी विप्र वाहिनी के प्रदेशाध्यक्ष और गुरु महाराज और माधव शर्मा जी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, वो स्वयं उनके साथ पधार रहे हैं। पूरे भारत में यह रथ चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर सभी सरकार द्वारा मिलकर, राज्य और सेंट्रल सरकार द्वारा एक धार्मिक नगरी विकसित की जा रही है और वहाँ परशुराम कुंड की स्थापना की जाएगी। परशुराम कुंड पर 51 फुट की अष्ट धातु की मूर्ति विप्र फाउंडेशन द्वारा सभी समाज के सहयोगों से तैयार की जाएगी, जिसमें जो वहन होगा वो विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। मार्च या अप्रैल में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसी की आमंत्रण के लिए पूरे भारतवर्ष में यात्रा निकाली जा रही है, ताकि सभी समाज के सभी लोगों को ये पता चले कि भारत में चीन के बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में जो लोहित नदी है, वहाँ परशुराम जी की मूर्ति, विशाल काय मूर्ति स्थापित की जाएगी, जो चीन के बॉर्डर पर एक रक्षक के रूप में काम करेगी। आज भगवान परशुराम विष्णु भगवान के जो छठे अवतार हैं, उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है। सर्व समाज में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए आज यहाँ प्रार्थना की जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कास्तुक भाग्य भवेत्। जो ब्राह्मण है वो पूरे समाज का परोपकार करने के लिए, भला करने के लिए ही बना है, और सभी के परिवार में सुख समृद्धि हो, हमारे शहर में सुख शांति हो, सभी निरोग हों, किसी को रोग न हो। और यहाँ आज हमारी जो परशुराम रथ यात्रा जो है, इसके स्वागत के लिए हमारे यहाँ सभी शहरवासी देखेंगे, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा भी सर्वप्रथम शंखनाद किया जाएगा, और शंखनाद के बाद शांति पाठ और पूरे शहर की, हमारे देश की और प्रदेश की जो है सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की जाएगी। विष्णु भगवान जी के छठे अवतार परशुराम जी के जो है आशीर्वाद लेने के लिए पूरे समाज को मैं निमंत्रण देता हूँ। सब यहाँ पधारें, आशीर्वाद लें, और ताकि सबके परिवारों में सुख समृद्धि हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।